हिमाचल पथ परिवहन निगम ऑपरेशनल स्टाफ एवं चालक परिचालक संगठन की मंडी जिला की कमान दिनेश शर्मा को दी गई है। दिनेश शर्मा को संगठन की ओर से ये दायित्व मंडी में आयोजित संगठन के जिला स्तरीय चुनाव के दौरान दिया गया। संगठन के राज्य अध्यक्ष रूपलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इन चुनावों में संगठन के राज्य प्रधान देवराज ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऑपरेशनल स्टाफ एवं चालक परिचालक संगठन जिला स्तरीय चुनाव मंडी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इन चुनावों में संगठन के राज्य प्रधान देवराज ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। जिला स्तरीय अधिवेशन में जहां जिला कार्यकारिणी को नए सिरे से गठित किया गया, वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन भी किया गया। संगठन की ओर से एक मांग पत्र भी तैयार किया गया है ताकि संगठन के सदस्यों को एचआरटीसी के कर्मियों को आ रही समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की जा सके। चुनावों में जोगिंदर गुलेरिया को अध्यक्ष जबकि दिनेश शर्मा को संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया। वरिष्ठ उप प्रधान संजय कुमार, उप प्रधान संजय कुमार और कार्यकारिणी उप प्रधान राजेश कुमार को बनाया गया। महासचिव का दायित्व गिरधारी लाल को सौंपा गया है जबकि संगठन के अन्य पदों पर चयन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल संगठन के राज्य प्रधान देवराज ठाकुर की अगुवाई में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला था। इस अवसर पर राज्य प्रधान देवराज ठाकुर ने बताया कि परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए संगठन को आश्वस्त भी किया है। पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ चालक परिचालक ऑपरेशन स्टाफ यूनियन की बैठक है। इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे 23 डिपुओं से जो पदाधिकारी और सदस्यगण ने यहाँ पहुंचे हैं और हर यूनिट का एक एक पदाधिकारी अपने विचार रखेगा और उस विचार रखने के बाद जितने भी मेन समस्याएं हैं, समस्या तो एक जैसी है पूरे हिमाचल प्रदेश इस परिवहन में, उसको एक मंथन करते हुए हम एक मांग पत्र उससे तैयार करेंगे, उसको एक मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय के समक्ष रखेंगे और उसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। जब जैसे ही तारीख एमडी साहब देंगे तो हम एमडी साहब से वार्ता के लिए तैयार होंगे और उसमें कुछ न कुछ जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। बताया कि आज हमारे जो जुलाई से लेकर हमारे जो टीएडीए हैं उसकी पेमेंट कर्मचारियों को नहीं हो रही है और उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों, और यदि इसमें आपके इतने डिटेन कैसे हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें कि मैं इसको टाइम टू टाइम जो भी कर्मचारी के ड्यूज है मैं उसको देने का प्रयास करूंगा।